रोबोटिक्स मूवी ज़्यादातर फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे कि एंड्रॉयड या फिर स्ट्रॉन्ग एआई या फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और इसमें भी बहुत से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि क्लोनिंग, बॉडी स्वैपिंग या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। तो स्वागत है आप सभी का स्टेकअप मूवीज में। आज मैं आपके लिए हॉलीवुड के 10 बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी मूवी लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 10वें नंबर पे है 2020 की मूवी प्रोसेसर। इस मूवी में कॉन्शियसनेस ट्रांसफर और बॉडी स्वैपिंग के बारे में बताया गया है। टायसा एक एलिट ग्रुप का एक एसेसिन थी। ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के मदद से टायसा अपने टारगेट के शरीर में घुस जाया करती थी और अपने टारगेट को ख़त्म करने के बाद वो वापस अपने शरीर में आ जाती थी। उसे एक बार जॉन और एवा को मारने का काम मिलता है, इसलिए ये कॉलिन, जो कि एवा का बॉयफ्रेंड था, उसके शरीर में एंटर हो जाती है। लेकिन कॉलिन के बॉडी में एंटर होने के बाद वो खुद ही एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। 9 नंबर पे है 2012 की मूवी टोटल रिकॉल। इस मूवी में फेक मेमोरी इम्प्लांट के बारे में बताया गया है। डॉगलास, जो कि यूएपी में एक फैक्ट्री वर्कर था, उसे हर बार एक सपना आने लगता है कि वो एक स्पाई है और उसके साथ और एक लड़की भी काम करती थी जिसे कि वो कभी भी नहीं मिला था। इन सब चीज़ों को भूलने के लिए वो आर्टिफिशियल मेमोरी का सहारा लेने का सोचता है और रिकॉल फैसिलिटी में जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके दिमाग में पहले से ही कोई फेक मेमोरी डाल के उसे मैनिपुलेट कर रहा है। इतने में ही वहाँ पे यूएफबी पुलिस आ जाता है और डॉगलास को मारने की कोशिश करता है। असल में वो यूएफबी एजेंसी ही था जो डॉगलास को उतने दिनों से धोखा दे रहा था, और ये सपने वाली लड़की असल में उसका एक पार्टनर थी। 8वें नंबर पे है रेप्लिकास। ये मूवी बनाई गई है कॉन्शियसनेस ट्रांसफर और क्लोनिंग के ऊपर। विलियम और एड व्हिटल, ये दोनों बायोकेमिकल साइंटिस्ट थे। ये एक मारे गए सोल्जर के कॉन्शियसनेस को एक एंड्रॉयड में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। जब एक दिन विलियम अपने फैमिली के साथ कार में जा रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे सभी लोग मर जाते हैं सिवाय विलियम के। फिर विलियम अपने उस प्रोजेक्ट की मदद से अपने फैमिली को वापस लाने की कोशिश करता है। 7वें नंबर पे है द एनोमली। इस मूवी में मेमोरी इरेजिंग के बारे में बताया गया है। राइन, जो की एक रिटायर्ड सोल्जर था, उसको हर बार जब होश आता था वो हर बार अपने आप को किसी अलग जगह में पाता था। उसे एक बार पता चल जाता है कि हार्किन लंगम नाम का एक आदमी उसका मेमोरी इरेज करके उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसे हराने के लिए ये डेना नाम की एक प्रोस्टिट्यूट का हेल्प लेता है। 6ठे नंबर पे है सेल्फरलेस। इस मूवी को कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बनाया गया है। डेमियन, जो कि एक बीमार बिलियनेयर था, वो जल्द ही मरने वाला था और अपने आप को बचाने के लिए वो एक साइंटिस्ट का मदद लेता है। फिर डेमियन के कॉन्शियसनेस को दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रोसीजर के बाद डेमियन को अजीब से विजन आने लगते हैं। अपने इस विजन के बारे में जानने के लिए डेमियन अपने खोज में निकल पड़ता है। 5वें नंबर पे है घोस्ट इन द सेल। इस मूवी को नैनो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लेकर बनाई गई है। एक टेररिस्ट अटैक में सभी लोग मर जाते हैं सिवाय एक लड़की का काम मिलता है। इसके बॉडी में कुछ ग्लिचेस भी होने लगते हैं और ये अपने डॉक्टर को अपने पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन कोई कुछ ही मिलती है। 4थे नंबर पे है ट्रांसेंडेंस। इस मूवी को ह्यूमन कॉन्शियसनेस और क्वांटम सुपर कंप्यूटर के ऊपर बनाई गई है। विल कास्टर एक साइंटिस्ट था, वो और उसका टीम एक कंप्यूटर बना रहे थे जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तरह काम कर सके, और विल कास्टर का मानना था कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी को बना सकती है, जिसे कि वो ट्रांसेंडेंस नाम दिया था। फिर उसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव बुलेट से अटैक हो जाता है और उसके पास सिर्फ एक महीना ही टाइम बचता है। फिर उसकी बीबी एवलिन विल के कॉन्शियसनेस को एक क्वांटम कंप्यूटर में अपलोड कर देती है। पहले तो वो टेक्नोलॉजी लोगों की मदद करने लगता है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसेंडेंस की ओर बढ़ने लगता है तो लोगों को लगता है कि ये उनके लिए एक खतरा है। फिर एक एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी उनके लिए सच में खतरा था या फिर उनका मदद करना चाहता था? अभी 3रे नंबर पे आता है एक्स मैशीना। इस मूवी में कुछ रोबोट्स के बारे में बताया गया है जिनका की कॉन्शियसनेस होता है। कलेब स्मिथ ब्लू बुक कंपनी में एक प्रोग्रामर था। वो एक बार एक कॉन्टेस्ट में जीत जाता है और उसे अपने सीईओ के घर में एक हफ्ता छुट्टी मनाने का चांस मिलता है। वहाँ इनका सीईओ नेथन बेटमैन एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। वो एक रोबोट बनाया था जिसका नाम था एवा और उसकी कॉन्शियसनेस एकदम गजब की थी। फिर नेथन कलेब को एक काम देता है कि उसे एवा की कॉन्शियसनेस और थॉट्स की जांच करनी है, लेकिन एवा को वहां से निकलना होता है। तो वो कैसे वहां से निकलती है इस मूवी में देखिए।
दूसरे नंबर पे है सरोगेट्स। इस मूवी में बॉडी स्वैपिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में बताया गया है जहाँ पे लोग अपने सेफ्टी के लिए घर से बाहर नहीं जाते थे और बाहर जाने के लिए ये अपना रोबोटिक बॉडी का यूज करते थे जिसको कि सरोगेट्स कहा जाता था। ये जब सो जाते थे तो इनका कॉन्शियसनेस सरोगेट्स में ट्रांसफर हो जाता था और इन सरोगेट्स की मदद से ये अपने कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ा लेते थे। लेकिन अचानक से बहुत से मर्डर होने लगते हैं। कोई एक था जो सरोगेट्स की मदद से असली लोगों की मर्डर कर रहा था। उस किलर का पता लगाने के लिए दो FBI एजेंट टॉम और पीटर्स को भेजा जाता है। फिर ये लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो देखिए कौन था वो किलर और आखिर क्यों कर रहा था ये सब। अभी पहले नंबर पे है 2018 की मूवी अपग्रेड। ये मूवी AI इम्प्लांटिंग के बारे में है। एक बार ग्रे और उसके वाइफ के ऊपर अटैक होता है। उसकी वाइफ मर जाती है और ग्रे को पैरालिसिस कर दिया जाता है। फिर ग्रे को फिर से चलने लायक बनाने के लिए एक बिलियनर उसका मदद करता है। उसके गर्दन में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा दिया जाता है। फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको हर काम में मदद करने लगता है। लेकिन कुछ गुंडे ग्रे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर आगे देखिए कि कैसे ये AI ग्रे को प्रोटेक्ट करता है और कौन थे ये लोग और क्यों ये ग्रे को मारना चाहते थे। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।